तो फ्रेंड, कंप्यूटर इथिकल हैकिंग की इस वीडियो के अंदर हमने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत कुछ हमने सीखा था। अभी हमारा जो है मॉड्यूल तो शुरू हो रहा है, यहाँ हो चुका है यहाँ पर। और मैंने पिछले मॉड्यूल्स टू के अंदर हमने देखा था कि मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव के अंदर सिस्टम के अंदर सिस्टम सिक्योरिटी हमने पढ़ी थी। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है, फिर हमने थ्रेट देखा था, वायरस, बॉम, ये दोनों बैकडोर ओपन करते हैं, और रोड की क्या होती है, ट्रायंगल देखा था हमने, थ्रेट और सिस्टम सिक्योरिटी की ट्रायंगल क्या होते हैं। ओके, ये वीडियो जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर की आपको मिल जाएगा आपको पासवर्ड क्रैकिंग, कौन कौन सी आपको कितने टाइप की पासवर्ड जो है क्रैकिंग होती है, कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क की प्लेलिस्ट की द्वारा इथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको जो है पासवर्ड क्रैकिंग का और आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि हमारे किस तरह से मालवेयर जो है सिस्टम में आता है, इसका क्या नुकसान होता है, मैंने आपको समझाया था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो गाइडलाइंस हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी टूल्स के अंदर, जिनमें से पहला प्रैक्टिकल हमने देखा किस तरह से लॉक करना चाहिए अपने सिस्टम को, किस तरह से पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, गेस्ट अकाउंट कैसे डिसेबल क्यों करना चाहिए, लॉकआउट अनवांटेड गेस्ट सिस्टम हमने यहाँ पर बताया था, रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्यों करना चाहिए, डिसेबल स्टार्टअप क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। और फिर हम अप्लाई सिक्योरिटी पैचेस, और लास्ट में हमने विंडोज फायरवॉल के बारे में समझा था। फायरवॉल की डिटेल में वीडियो जानना और चाहते हो तो फायरवॉल की प्लेलिस्ट आपको मेरे कंप्यूटर की मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फायरवॉल क्या है, किस तरह से, आज हम पढ़ेंगे यूज NTFS, ये क्या है, किस तरह से यूज़ करते हो, और NTFS का क्या काम होता है। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में सभी प्रैक्टिकल्स दिखा दिए थे, वो वीडियो जाकर देख लीजिए और अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ाओ। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की और आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। ओके, इस वजह से मैं आपको ये इथिकल हैकिंग की कोर्सेस लेकर आता हूँ, एडवांस लेवल पर समझाता हूँ। तो आज हमारा जो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर NTFS के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो फायरवॉल रूल्स वगैरह मैंने आपको समझा दिया था, रूल्स और भी मैंने बेहतर समझाए थे, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर टू वे फायरवॉल प्रोटेक्शन मैंने आपको समझाया था। ओके, आज हमारा जो है ऑलवेज यूज NTFS क्या होता है और इसको क्यों बनाया गया है और ये NTFS है ही क्या। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं NTFS और ये कहाँ पर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोस है उन सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से ले लीजिए और उसका प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं किस तरह से हमारा NTFS हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं ये NTFS को विंडोज़ में ही क्यों अलाउ किया जाता है। अगर दूसरी कोई हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो एक NTFS आपको शायद ही मिले, क्योंकि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 8.1 हो, सर्वर हो, कोई भी XYZ हो, NTFS आता ही है। तो क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको बेहतर तरीके से समझते तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके
जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरी ये पुराना नेम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस टिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके,
तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो, आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो, उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो, सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके इनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पूरा नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो NTFS की हम बात करते हैं। NTFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी फॉर डेटा ऑन हार्ड डिस्क एंड पार्टीशन देन द फाइल फेड फाइल सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो NTFS खुद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने के लिए पार्टीशन का टाइप बनाया है। और पार्टीशन का टाइप का मतलब कि पहले हमारा फैट आया था, फैट जो था वो 8 GB तक सपोर्ट करता था। ओके, फिर फैट 32 आया जिसके अंदर 8 GB से 32 GB तक ये सपोर्ट करता था, और फिर उसके बाद NTFS सिस्टम आया। मतलब कि अगर आपको NTFS सिस्टम आप बनाते हो तो आपको 1 TB तक आपको जो है एक पार्टीशन सपोर्ट करने में मिलेगा। ओके, तो ये होता है NTFS। ओके, NTFS क्या होता है, कहाँ मिलता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने विंडोज 7 के सिस्टम में आ जाता हूँ, माई कंप्यूटर में आता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पार्टीशन है मैं इस राइट क्लिक करता हूँ, हो सकता है कि आपके आप 1 2 3 और भी पार्टीशन हो, अभी मेरे अंदर एक ही पार्टीशन है, तो राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा है NTFS, इसकी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जो भी डेटा है, जो भी XYZ डेटा, इसके डेटा की सेफ्टी परफॉर्मेंस और उसके अच्छे बेटर उसकी लेवल्स को रखने के लिए NTFS बनाया गया है। ओके, इसको मैं और अच्छी तरह से समझाता हूँ कि जब भी कोई फाइल या फोल्डर या कोई भी कंप्यूटर हमारा यूज़ करते हैं, ओके, पार्टीशन सी हो या डी हो या कोई भी पार्टीशन हो, NTFS हमारा हार्ड डिस्क के जितने भी अंदर बैठे हुए डेटा है, ये भी आपके फोल्डर्स वगैरह है, वो आपके इंपोर्टेंट सिस्टम्स के लिए ये चीज़ बनाई गई होती है। तो NTFS जो है वो फैट 32, फैट 16 और फैट 5 के बाद आई थी। अगर आपकी सिस्टम फैट 16 है या फैट 32 फाइल सिस्टम है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट यूज कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके लिए कन्वर्ट पाकिस्तान डेट यूज अर्ली फैट 16 फैट 32 फाइल सिस्टम
आप सिस्टम यूज कर सकते हो। ये जो सिस्टम पे 32/16 और ये कन्वर्ट कमांड विंडोज एक्सपी के अंदर आया था, विंडोज एक्सपी के अंदर शुरुआत हुई थी। लेकिन विंडोज 95 देखो या विंडोज एनटी देखो तो उसके अंदर सिर्फ फैट 16 और फैट 32 फाइल ही सिस्टम सपोर्ट होती थी। तो यहाँ पर एनटीएफएस के अंदर आपका कोई हार्ड डिस्क लाना है फाइल या फोल्डर, उसको आप बेहतर तरीके से यूज़ करना, तो उसके लिए कन्वर्ट कमांड यूज़ किया जाता था। ओके, अभी भी यूज़ करते हैं। तो कन्वर्ट क्या है? कन्वर्ट हमारा पार्टीशन को एनटीएफएस में बदलने के लिए ये चीज़ होती है। ओके, तो फाइल सिस्टम इसको कहते हैं। फाइल सिस्टम का मतलब कि पार्टीशन हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, जितने भी हम फोल्डर ओपन करते हैं, फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, पार्टीशन ओपन करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, तो वो है क्या कि वो एक एग्जैक्टली पार्टीशन के अंदर डेटा जो स्टोर होता है। ओके, तो क्लोज एनी ओपन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द पार्टीशन और लॉजिक ड्राइव टू बी कन्वर्ट। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई भी पार्टीशन को, तो आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं करना है, रन नहीं करना है। जब आप उसको रन कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ की अगर आपको कमांड के थ्रू कन्वर्ट करना है, आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना, टोटल मिलाकर आपको कमांड प्रॉम्प्ट रन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से ही स्टार्ट करना होगा। ये कन्वर्ट करने का तरीका है। और अगर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसके अंदर ड्राइव लेटर आते हैं सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर सीएमडी लिखता हूँ। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है ये हमारा मैन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारा हो। तो फाइल्स हमें देखनी है तो डिस्क पार्ट हम कमांड डालेंगे, पहले क्या डालेंगे, डिस्क पार्ट हमने डाला तो हमें लिस्ट डिस्क पार्ट डिस्क के अंदर हम आ गए। अब लिखेंगे लिस्ट, तो लिस्ट है तो किसकी लिस्ट चाहिए? ओके, तो लिस्ट हमने दी है पार्टीशन या डिस्क की, तो लिस्ट हम लिखते हैं डिस्क की। डिस्क मतलब हमारा कौन कौन से हार्ड डिस्क कनेक्ट है, देख सकते हैं आप, ये है आपके सामने हार्ड डिस्क। ये मेरे अंदर तीन हार्ड डिस्क एंटर की गई है, 0 ओके, एक 500 और 2.5 GB की, आपके सामने ये हार्ड डिस्क है। अब ये हार्ड डिस्क एंटर तो है, अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या आती है, लिस्ट डिस्क डाली हुई आपने, अब आपको चाहिए पार्टीशन, तो लिस्ट वॉल्यूम डालोगे, वॉल्यूम डालोगे तो आपके सामने बहुत सारे देख सकते हो कि ये लिस्ट मेरे आ चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कि फाइल सिस्टम हमें बता रहा है एनटीएफएस, ये जो है फैट 32 है, देख सकते हो ये क्या है, 100 MB का है। तो 100 MB किसके अंडर में आती है, 32 GB के अंदर में आता है। ओके, तो 32 GB से ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आज के टाइम के अंदर पार्टीशन जो है वो ऑटोमेटिकली एनटीएफएस हो जाएगा, लेकिन 32 GB या 32 से कम है तो वो फैट 32 में गिना जाएगा। और ये सिस्टम का मेन फाइल्स आपके सामने ये चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ होगी, अभी एनटीएफएस आपके सामने है। ओके, अब ये मेन चीज़ हमारी 55 GB है, 122 GB है हमारे 1283 और ये 122 GB है, इतने सारे GB हैं आपके सामने, ये चीज़ देख सकते हैं आप। ओके, तो ये लिस्ट हमें मिलती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें आपको बहुत कुछ देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि आप कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कमांड डालना पड़ेगा, भी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। ओके, तो कन्वर्ट कब करना है ये चीज़ हम ध्यान में समझ लेते हैं। देखिए, कन्वर्ट तब हमें करते हैं, अभी मैं इसके अंदर से एक्सिट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट डेटा इसके अंदर से, और फिर से एक्सिट कर लेता हूँ। ओके,
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप यूज़ करते हो कमांड ध्यान से करना जरूरी है। तो कन्वर्ट लगाना है, फिर ड्राइव लेटर लगाना है, फिर फाइल सिस्टम और एंटीवायरस भी लिखना है। ओके, तो एंटर जैसे करोगे तो वो कन्वर्ट करना चेंज करेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और लास्ट में आपको ये जो है आपके सामने टाइप नेम ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम डालना है, मतलब कि आपके पार्टीशन का नाम डालना है, और यू वांट कन्वर्ट एंड प्रेस एंटर, ये चीज़ आपको डालनी होती है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा यूज़ करो, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का यूज़ करते हो तो फैट 16 या फैट 32 पार्टीशन कभी भी मत यूज़ करना। ओके, क्योंकि ये बेटर परफॉर्मेंस देता है आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को और सिक्योरिटी देता है हमारे डेटा को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंक्रिप्शन के, यहाँ पर इंक्रिप्शन के फीचर से, फाइल शेयरिंग के फीचर से, फिर आपको एक परमिशंस के फीचर से, ये इतने सारे सिक्योरिटीज के फीचर्स मिलते हैं। बेटर परफॉर्मेंस मतलब कि विंडो डिफेंडर के बारे में आपको बताया था कि अगर अपने पार्टीशन के अंदर, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल के अंदर विंडो डिफेंडर करके एक सिस्टम आती है। ओके, ये हम जाते हैं यहाँ पर विंडो डिफेंडर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर, हमारा विंडो डिफेंडर करके हमारा सिस्टम आता है। मैं आपको लार्ज जगह कर लेता हूँ। ओके, तो विंडो डिफेंडर, अभी इसके लिए मुझे जाना होगा, यहीं पर ही होना चाहिए, विंडो डिफेंडर है। ओके, ये जो विंडो डिफेंडर जो होता है, अब जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे पार्टीशन के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, इसकी जितनी भी फाइल्स होते हैं वो चेक करने के लिए एनटीएफएस सिस्टम का यूज़ करता है, इस वाले सिस्टम का। वो काफ़ी बारीकी से वो ढूंढता है। उसके अलावा जिसकी सिक्योरिटी अंदर जो होती है आपको दे सकते हैं, और इसके अंदर टूल्स होता है, जिसके अंदर डिफ्रेगमेंट टूल्स होता है, ये वाला टूल। तो डिफ्रेगमेंट टूल जो होता है ये क्या करता है, हमारी सिस्टम्स के अंदर जो भी जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है। ओके, ऑब्जर्व का मतलब होता है कि ऐसी फाइल जो इधर उधर आप बना कर रखी हुई है, या तो फिर कोई डाउनलोड करके रखी हुई है, तो ऑब्जर्वेशन में रखना है वो। और ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने तरीके से बेस्ट एक लिस्ट बनाकर हमारे मेन पार्टीशन सी के अंदर वो रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड रखने के कारण हमारा जो होता है, डिफ्रेगमेंट हम लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारा जो है एक सिस्टम होता है डिफ्रेगमेंट यो हार्ड डिस्क, तो ये जो है ये वाला डिफ्रेगमेंट हमारा सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे सामने ये चीज़ मिलती है। तो डिफ्रेगमेंट क्या होता है, देखिए अभी मैंने दो पार्टीशन है। ओके, जैसे मैं इसको एनालाइज करूँ या डिफ्रेगमेंट करूँ, एनालाइज करने का मतलब कि वो जो चेक करता है कि कौन कौन सी फाइल अच्छी है बुरी है, मतलब कि आधी अधूरी है, वो सब कुछ अलग 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 कर देगा। आपका फोल्डर भी वैसे ही दिखाई देगा, कंप्लीट होगा, लेकिन जैसे देखिए 2% फ्रेगमेंट में आ गया है, मतलब कि दो ऐसी कुछ 2% में हो सकता है 30-40 ऐसी फाइल्स हो सकती है। जैसे मैं डिफ्रेगमेंट करता हूँ तो वो फिर से एनालाइज करेगा, और ये जो है हमें बताता है कि आपने ये डिफ्रेगमेंट करके सिस्टम्स के अंदर बेहतर उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपने ये सिस्टम रखी हुई। ये क्या करता है कि फाइल के हार्ड डिस्क के डेटा के अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है, आपका कंप्यूटर फास्ट स्मूथ चले, इस वजह से ये फ्रेगमेंट करना जरूरी होता है। ओके, तो डिस फ्रेगमेंट जो होता है ये NTFS पर ही काम करेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। FAT32 या FAT16 में या FAT में काम करोगे तो वो अच्छी तरह से ये जो है काम नहीं आएगा, जैसे अभी 0% फ्रेगमेंट में आ गए। तो ये जो है परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट, बेहतर, रिलायबल, काफ़ी इजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो परफॉर्मेंस कैसे देता है, किस तरह से ये सेटअप होता है,
हमेशा पार्टीशन सी हो या कोई भी आप लेते हो, तो ये जो टूल जो होता है उन सभी फाइल्स की जो है एक अच्छी तरह से सीक्वेंस में सेटअप कर। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वो इसे कोई अपनी अलग से फाइल नहीं बनाता है, वो सभी फाइलों को जो है फाइल का लेवल जो होता है वो फाइल के अंदर जैसे कि ए नंबर से शुरू होनी बी वाली फॉर्म, तो एक अपना लिस्ट रिकॉर्ड लाइन सिस्टम पर रखती है फाइल। जैसे ही पार्टीशन आप ओपन करते हैं तो कभी कभी पार्टीशन ओपन होने में बहुत ही स्लो चलता है, धीरे धीरे कंप्यूटर चलता है, कभी कभी तो हमें एक मिनट लग जाता है वो पार्टीशन ओपन करते हुए। क्यों? क्योंकि वो फाइल जो है अपने बहुत सारी फाइल्स है, कोई टेम्पररी फाइल्स है, बहुत सारी ऐसे अलग अलग जगह पर रखे हुए फाइल्स है, तो अपने इसको स्कैन करके अच्छी तरह से सेटअप नहीं किया है और भी बहुत कुछ वायरस वगैरह जो इसके वजह से ये जो है सिस्टम ख़राब होती है। तो अगर मैं इसके पार्टीशन में बनाऊँ, देख सकते हैं अभी तो मुझे जो है अभी इतनी फ्री में मैम को पार्टीशन बनाने के लिए 20 मिनट में जाता हूँ। अब मान के चलते हैं कि इधर हम श्रिंक करेंगे अभी तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब कि मैं जब पार्टीशन बनाऊँगा तो NTFS पर ऑटोमेटिकली मुझे जो है ये दे देगा, मतलब कि मैं ये कहूँ कि जितने भी हमारे पार्टीशन बनाना है, अभी मैं पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि मैंने अपने देखे थे अभी इस तरह की स्पेस हमें मिल गई, इसे कहते हैं अनलोकेटेड स्पेस। अगर मैं इसके अंदर नेस्ट करता हूँ, सिंपल वॉल्यूम में जाता हूँ, नेस्ट करता हूँ, मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, मान के चलता हूँ कि 3 GB का अभी पार्टीशन बनाता हूँ, अभी नेस्ट करता हूँ, अभी ये देखे थे कि ड्राइव ऑटोमेटिक हमें दे रहा है। NTFS में 532 में डालना है, डिपेंड करता है कि कौन से फाइल फॉर्मेट क्या होता है। देखिए फाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपका तरीका, आपके फाइल का सेव करने का तरीका कौन सा होना चाहिए। फैट में कम सिक्योरिटी सम कुछ होगी, FAT32, फिर उसके बाद NTFS आपको देखने को मिलता है। ओके, तो NTFS अभी मैं करता हूँ, नेस्ट करता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, ये चीज़ आपके सामने होगी। क्लोज करता हूँ यहाँ पर इसको भी क्लोज करता हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख सकते हो कि अभी NTFS में आ चुका है, ध्यान से देख सकते हो। लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है NTFS को सीधा, मैं मान के चलते हैं कि मैनेज में जाते हैं, डिस मैनेजमेंट में जाते हैं और हम जाते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, और फिर से मैं जो FAT32 बना देता हूँ जानबूझकर आपको समझाने के लिए, 3000। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आप, मैं FAT32 ले लेता हूँ, कोई भी आप ले लो। ओके, दे सकते कि मैंने FAT32 ले लिया। अब इसके अंदर दे सकते कि जैसे मैं ट्रायल क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, FAT32 मिल रहा है, क्योंकि तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी जो होगी, इसके अंदर जो फाइल फोल्डर वगैरह कोई भी होगा वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो मैं जैसे ही मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है NTFS के अंदर, तो कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, CMD लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है CMD हमने लिखा था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर है नहीं, तो मुझे जो है CMD लिखना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट दो ओपन होते हैं, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और एक मेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो CMD है, राइट क्लिक किया और ये जो इस तरह से ओपन करना है, आपके सामने ये चीज़ होगी। अब हमें जो है पार्टीशन देखना है कन्वर्ट। अब हाँ, लेटर कौन सा ई है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हम लिखते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट हमने लिखा, हमें चाहिए पार्टीशन ई, हमने ई लिखा और फिर हमने स्लैश हमने लिखा FS फाइल सिस्टम इस तरह से। तो कहने का मतलब कि कन्वर्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट से ये ऑर्डर देते हैं कि मुझे NTFS फाइल जो है ई फाइल सिस्टम हमें चाहिए, NTFS लिखा, NTFS ये कमांड में दे रहा हूँ अपने मेन पार्टीशन को। ध्यान से देखिए, फिर से बता देता हूँ, कमांड पाऊँ कमांड डालने से पहले, कमांड एक्टिव करने से पहले ये मैंने FAT32 लिखा हुआ है, अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो है कमांड में
तो हमने जो है ये लिखा। ओके, तो न्यू वॉल्यूम देख सकते हो कन्वर्ट हो चुका है हमारा NTFS के अंदर। ओके, तो अब हमने जो चेंज किया था, जो नेम चेंज किया था, वो हमारा वॉल्यूम जो था वो हमने क्रिएट किया था। ऊपर से हमने फाइल फोल्डर्स वगैरह सब कुछ जो है वेरीफाई होने के बाद टोटल डिस्क का जो भी बीट पर आता, देख सकते हो बीट पर आया है। ओके, तो कितने बीट के अंदर ये चीज़ हमारी सिस्टम जो है वो आ चुकी है यहाँ पर। ओके, तो इस बीट के अनुसार हमारा जितनी भी बीट है, इतनी बीट और इतनी बीट की अवेलेबल स्पेस मुझे बता रहा है यहाँ पर, और कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको इसको क्लोज करूँगा और प्रॉपर्स में जाता हूँ, जैसे देखिए NTFS लिखा हुआ आ गया। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है पार्टीशन गुम करते हैं कन्वर्ट। ओके, तो कहने का मतलब है कि पार्टीशन कन्वर्ट तब करो जब आपके ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर वगैरह जो है उसका साइड पर किसी जगह पर बैकअप ले लो, जिससे कि आपके पार्टीशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, या तो फिर अगर आपसे गलत कमांड भी लग जाए तो वो डेटा जो है सेफली आप रिकवर कर सकते हो। तो ये होता है कन्वर्जन। ओके, तो मैंने आपको ये समझा दिया विंडोज़ 7 के अंदर। ओके, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसी तरह से विंडोज़ 10 के अंदर भी आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो पार्टीशन NTFS ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना। कन्वर्टिंग कर जब आप करते हो कहाँ से, फिर से NTFS सिस्टम के अंदर, तो कोई भी डेटा ऑन इट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको रिस्टार्ट जरूर कंप्यूटर को करना पड़ेगा NTFS को, ये सिस्टम को सेटअप करने के लिए और पार्टीशन कंटेंट सिस्टम फाइल्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, फिर बाद में आप अपने पार्टीशन के अंदर वो डेटा डाल दो चलेगा। ओके, तो इस तरह से आप अपने फाइल्स फोल्डर्स को अच्छी तरह से मेंटेन और परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। विंडो इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम जिसको EFS हम कहते हैं वो क्या होता है, किस तरह का होता है, मैं आपको समझाऊंगा। विंडोज के अंदर बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेगी, अभी तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें गाइडलाइंस फॉर NTFS की बात करते हैं। तो हम इंक्रिप्शन फाइल समझेंगे। ओके, तो ये इंक्रिप्शन फाइल क्या होती है, इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम क्या होती है, और इसको इंक्रिप्शन क्यों करते हैं हम, ये भी हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से हम कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो NTFS हमेशा यूज़ करो, विंडोज़ कोई भी आप पार्टीशन बनाते हो, कभी भी फैट और फैट 32 में जाने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो पुरानी सिस्टम हो चुकी है। NTFS जो है काफ़ी लेवल्स पर आपको फीचर्स सर्विसेज मिलती होगी, तो यहाँ पर हमें जो है इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम जो है बेहतर में मिलती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे कि इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम क्या होती है, उसके बाद बीट लॉक को समझेंगे क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम सभी वीडियो को समझाने की कोशिश करते हैं, सभी वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, और अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिकल है वो मैंने बता दी है, समझा दी है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके, जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुक में या भी सीखी, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।